कबीर भैया, आप कहाँ थे? मैं इतनी देर से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका नंबर लग ही नहीं रहा है। आई थिंक शायद नेटवर्क नहीं था तभी नंबर नहीं लग रहा होगा। मैं एक्चुअली अपने दोस्त के पास गया था जो लॉयर है, आरुष के अडॉप्शन के सिलसिले में बात करनी थी कुछ। बट डोंट वरी, अभी सब सॉर्टेड है। व्योम के माँ बाप आरुष को कहीं नहीं ले जा सकते, सो रेस्ट श्योर। भैया कनाली प्लीज, मैं तुमसे बाद में, जय प्लीज समझाना, बाद में बात करता हूँ ना। देख इसमें है आइसक्रीम, और अगर आइसक्रीम पिघल गई तो आरुष खाएगा नहीं, सो बाद में बात करते हैं। अरे चैंप, देखो भीर तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आए। आरुष, आरुष का काफी का है क्या? हो तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? भैया उन दोनों को घर से निकाल दिया। वाह, क्या कहानी है यार, क्या कहानी है। जैसी काव्य को पता चला कि मैं पित्तल परिवार का बेटा हूं, उसके अंदर की ना पूजा शर्मा जाग गई, और सिर्फ वही नहीं जागी, उसके अंदर की जागी नफरत भी, जो हमारे परिवार के खिलाफ चिढ़ा। राइट, वाह वाह डैड। और उससे पहले उसे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो हमारे परिवार के पास आए और बदला ले। फिर बता उसने क्या किया? मैं बता दो उसने क्या किया। उसने व्योम से शादी की, व्योम देशद्रोही निकला, मारा गया, कतार था ना वो। उसके बाद लगा हुआ क्या मौका है मित्तल परिवार से बदला लेने का, लाओ आज जाके कबीर से शादी कर लेते हैं। उसने कबीर से शादी कर ली और आपकी स्टोरी बन गई है ना डैड, और आपको मजा आ रहा होगा ना डैड ये सारी कहानियां बना के। ये हैट्स ऑफ डैड, हैट्स ऑफ टू यू। ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ पूछो अपने काव्या से, इतना इंतजार क्यों किया उसने? जब से उस घर में आई है कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और अब जाके उसका राज खुल गया है। और तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करना चाहते हो ना? तुम भी इस घर से जा सकते हो। पता डैड, मुझे ना आपसे थोड़ी सी उम्मीदें थी। हाँ ये मुझे जरूर पता था कि डैड आपकी और मेरी थिंकिंग ना मैच नहीं करती, हम दोनों की सोच मैच नहीं करती, हम दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं है डैड। मुझे ये तक लगता था कि आप थोड़े से इंटेलिजेंट है, लेकिन आज डैड, आज आपने मेरा भ्रम भी ना तोड़ दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको काव्या से नफरत है, आपने कोई भी मनगढ़ंत कहानियां बनाई और काव्या पे थोप दी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन वो पूजा शर्मा इस घर में आएगी और सबसे बदला लेगी। मुझे यकीन था कबीर। आप मेरी बात सुनिए, मां आप मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए। इस घर वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या हो गया सबको? भाभी आप, अभी कैसे होने दिया आपने ये सब? कैसे जाने दिया काव्या को इस घर से? वो सारी क्यों तू एक्सप्लेन करिए तुम इसे, कौन सी हमारी बात मानने वाला ये? दिमाग में तो भूत सवार है, हम सब तो दुश्मन है ना इसके। आप सब लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, काव्या और उसके छोटे बेटे को आज ही रात को घर से धक्के मार के बाहर निकाला लोगों, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को शक था कि काव्या हमारे परिवार से बदला लेने आई है, सिर्फ शक के बदले। डिस्गस्टिंग, जहालत की भी हद होती है, लेकिन अब वो नहीं। मैं जा रहा हूं काव्या को वापस लेने। खबरदार कबीर,
वो इस घर में वापस नहीं आ गई। अगर वो लड़की वापस आई तो बंदूक और मेरे बीच पिछली बार तो सब आ गए थे, लेकिन इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे और कामया पे एक साथ गोली चलेगी। बेटे कैसी बात कर रहा है तू? अपने बेटे पे गोली चलाएगा तू? कैसी बात कर रहा है तू? देखते हैं डैड, देखते हैं। काव्या को तो मैं वापस लेके आऊंगा। मैं देखता हूं कैसे लाता हूं तुम वापस। कबीर बेटा, कबीर कहां? हेलो अंकल, मैं कबीर बोल रहा हूँ। अंकल आपको कुछ आइडिया है कि काव्या कहाँ पे है? वो अचानक आरुष को लेके कहीं पे चली गई है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। कबीर मुझे तुम लोगों पर पहले से ही शक था, तुम मेरे पोते को मार देना चाहते हो। याद रखना कबीर, अगर मेरे पोते के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अंकल आपको जो करना है प्लीज बाद में कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। जैसी वो घर में आती है उसे बोलिएगा प्लीज एक बार मुझे कॉल कर ले। ओके। वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें और आरुष को ढूंढ के रहूंगा मैं। बेटा ये रहे वो पेपर्स जो तुझे चाहिए थे। बेटा तूने पीके के पिताजी के बारे में क्या सोचा है? दादा के साथ जो किया अम्मा, उसी के कर्मों की सजा भुगत रहा है दादा। दिल का दौरा पड़ा है उन्हें, उससे तो बच गए पर आधे शरीर में लकवा मार गया है। कल रात से पूरा परिवार उन्हीं के साथ था। नाश्ता बनाने के बहाने से आई हूं। लेकिन बिटिया एक बात का तो खास ख्याल रखना, तू जो कर रही है वो कर, लेकिन किसी भी सूरत में कबीर के कान खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अकेला ऐसा शख्स है जो सब कुछ पलट सकता है। जानती हूँ, पर वो तो कल रात से काव्या को ढूंढ रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके प्यारे दादू को दिल का दौरा पड़ा है। और अगर कबीर को काव्या मिल गई तो, और काव्या ने उसे सब कुछ बता दिया तब? हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है काव्या कबीर को मिल जाए और कबीर उसकी बातों पर विश्वास भी कर ले। पर उससे पहले मैं अपनी आखिरी चाल चल चुकी हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।